area related to circle. ठीक है? Yes sir. Area related to circle. इसमें जो कुछ यूज होते हैं, सबसे पहले तो एरिया ऑफ सर्किल, तो आपको पता है सिंपल आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर अपॉन, ये रेडियस के टर्म में और ये डायमीटर। सेकंड सरकमफेरेंस, पाई आर या फिर पाई डी डायमीटर के टर्म में। थर्ड फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, यस सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है अपॉन? यस सर आ रही। थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। देखो अगर हम ध्यान दें तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल। यस सर। एरिया ऑफ सर्किल को हमने इसके हिसाब से डिवाइड कर दिया, थीटा बाय 360। यस सर। ये पूरा सर्किल है, इसमें सेक्टर ये है, इसका एंगल है थीटा, इसका जो एरिया होगा वो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर थीटा 180 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी हाफ सर्कल। 90 होगा तो 1/4 हो जाएगा। ये कहलाता है क्वाड्रेंट। मतलब 1/4, तो ये पूरे सर्किल का कितना हो जाता है 1/4। तो यहाँ थीटा अगर हम 90 रख देंगे तो 90/360 हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा उसके हिसाब से एरिया ऑफ सेक्टर चेंज होता रहेगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये वाली जो लाइन है, इस पर ये जो लाइन है तो लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? थीटा के ऊपर। यस सर। और इस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब ये पूरा जो बाहर का पोर्शन है, बाउंड्री। यस सर। ये भी क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इनटू मल्टीप्लाई 2 पाई आर। एरिया की जगह क्या हो जाएगा सर्कमफेरेंस थीटा बाय 360। यस सर। लास्ट है इसमें फॉर्मूला, वो है सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। सेगमेंट क्या होता है? सर्किल बनाए तो ये तो सेक्टर हो गया। यस सर। एंगल थीटा। इसमें मैं अगर एक लाइन ज्वाइन कर दूं, ये इसकी कॉर्ड भी कहलाती है। यस सर। ये नीचे का ये जो छोटा सा पोर्शन ये बच रहा है, ये कहलाएगा सेगमेंट। यस सर। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे हम? पहले सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें से ये जो ट्रायंगल बना, ट्रायंगल वाला माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बस ये बेसिक आपको याद रखने। एरिया ऑफ सर्किल सिंपल पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 ये डायमीटर, ये रेडियस। सरकमफेरेंस 2 पाई आर या फिर पाई डी। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 इनटू 2 पाई आर। सेगमेंट ऑफ सर्किल इस सेक्टर में इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब ये एरिया है, एरिया ऑफ सेगमेंट। कहानी क्लियर है सब फार्मूले? यस सर। क्वेश्चन ये है इफ द सरकमफेरेंस टू सर्किल्स, सर्किल है दोनों की सरकमफेरेंस क्या है सेम है, देन देयर एरिया विल बी क्या होना चाहिए इक्वल अनइक्वल नॉट रिलेटेड डी कांट फाइंड। सरकमफेरेंस क्या दे रखी है हमें डायरेक्ट दोनों की सेम, तो एरिया क्या होगा सर? एरिया भी सेम होगा सर। देखो अगर हम एज्यूम पहले ये करते हैं कि अलग अलग रेडियस है तो हम मान लेते हैं लेट रेडियस बी R1 एंड R2 यानी एक R1 है दूसरे का, तो हमें दिया क्या है सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्किल। इसमें फार्मूला हम लगा देंगे 2 पाई R1 इज इक्वल टू 2 पाई R2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सीधे क्या मिल गया R1 इज इक्वल टू R2। जब दोनों का रेडियस बराबर है तो एरिया पाई आर वन स्क्वायर हो जाएगा पाई आर टू। आर वन इज इक्वल टू आर टू है तो क्या होगा ए वन इज इक्वल टू ए टू, दोनों क्या हो जाएंगे सेम। क्वेश्चन था का एरिया क्या हो जाएगा सेम। If the circumference of a circle exceeds its diameter by 30, then radius of सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, डी 3.5 सेंटीमीटर। देखते हैं क्या दिया है हमें सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब बड़ा है यानी greater than its diameter by 30 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से कितना बड़ा है 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सर्किल कितना होगा? तो हम वही क्या करेंगे रेडियस को मान लेंगे आर। अब देखते हैं क्या दिया है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल यानी C इज इक्वल टू डी प्लस 30 7 आ रहा है इसको। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई आर, डी डायमीटर होता है 2 आर, 322/7 है ये। यस सर, 2 का यार कॉमन ले लेंगे इधर लाके इनटू r माइनस 2r इज इक्वल टू 30। ये हो गया 44r/7 माइनस 2r इज इक्वल टू 30। हम सिंपलीफाई करते हैं और r LCM 44r माइनस 30 30r इज इक्वल टू 30 into 7, r इज इक्वल टू 7। ये सही आ रहा है सानिया, चलो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यस सर, आ रहा है ना ये सब समझ में? यस सर। इस बार क्या दिया है क्वेश्चन? दिया है हमें स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर हमने क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ किया है। मान लो ये सर्किल है, सही नहीं बना, ये सर्किल है। यस सर। क्वेश्चन में क्या गिवन है? एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है हमें 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा है एरिया ऑफ सर्किल कितना होगा। ऑप्शन ए 196, ऑप्शन बी 144, ऑप्शन सी 49, ऑप्शन डी 150। निकालो इसे इतने। यस सर, यस सर। सर ऑप्शन डी आ रहा है डी। अच्छा डी, यस सर। सानिया हुआ या कंफ्यूजन है कुछ? देखो एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता होता है क्या होता है, कोई सी भी जो साइड है उसका स्क्वायर, सारी साइड इक्वल होती है स्क्वायर में। तो यानी 196 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो 196 क्या अगर हम स्क्वायर रूट ले तो क्या आएगा? 14 आएगा। तो हमें ये पता चल गया ये साइड कितनी है 14। ये भी 14 है, सारी भी 14 है। अब देखो सर्किल का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए r रेडियस। तो हम ये देख सकते हैं ये सीधे सीधे इसमें डिस्क्राइब है। तो अगर हम ये सीधी लाइन एक ड्रॉ करें, लाइन कितनी हो जाएगी 14 है। ये डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए, वो एरिया ऑफ सर्किल के लिए हमें जो चीज चाहिए मिल गई, r का स्क्वायर 7 आगे करें। ठीक है, यस सर। चलो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब हम शुरू करते हैं इसका वायर ऑफ लेंथ है 44 सेंटीमीटर इज bent in the form of a circle and again bent in the form of square. Form of length. Sorry. And bend in the form of rectangle whose length is 12 centimeter. Then ratio of areas of circle and rectangle are A 7:6, B 77:60, C 70:60, D 70:66. ये है क्वेश्चन। यस सर। यानी इसमें क्या कर रहे हैं, पहले एक वायर लिया हमने, एक मान लो स्ट्रेट वायर था, इसकी लेंथ हमें गिवन है 44 सेंटीमीटर। तो एक बार तो हमने क्या करा, इसे बेंड करके सर्किल बनाया और एक बार इसे बेंड करके रेक्टेंगल बनाया। तो पूछ रहा है इन दोनों का जो एरिया है वो किस रेशियो में होगा। कैसे करेंगे आसिफ, क्या करें पहले सर, इसमें सर इनका सर क्या करेंगे सर, वॉल्यूम निकाल सकते हैं नहीं सर इसका बाहर का? नहीं नहीं नहीं, वॉल्यूम पे मत जाओ, अभी तो एरिया की वो बात हो रही है सिर्फ, एरिया और पेरीमीटर। यस सर। देखो ये क्लियर नहीं हो रहा है, क्या करना है देखो आपको, ये जो लेंथ है वायर जो है 44 सेंटीमीटर का, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं सर्किल की फॉर्म में। वायर को किसमें कन्वर्ट? सर्किल। तो क्या चीज सेम रहेगी, जो इस सर्कमफ्रेंस इसका जो लेंथ ऑफ वायर है वो इक्वल टू क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस हो गया। हाँ यस सर, वायर बिल्कुल हो जाएगा, वायर तो मुड़ के सर्किल बनेगा ना पूरा। यस सर, ये वायर ही तो है। यस सर। तो इससे रख के तुम्हें क्या नोट निकाल लेना है, इस सर्किल आर मिल जाएगा सर, इससे आर मिल जाएगा तो एरिया आ जाएगा। ऐसे जब वायर को रेक्टेंगल में करोगे तो ये जो इसकी बाउंड्री चारों तरफ वो सेम होगी। यस सर। इसको हम कहेंगे पेरीमीटर, रेक्टेंगल के लिए हम कहेंगे पेरीमीटर, के लिए कहेंगे सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस यस सर। निकालो चलो। तो लेंथ यानी इसकी 44 इज इक्वल टू 2 पाई आर। 44 इज इक्वल टू 2 × 22/7 × r। 44 कट गया, r इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। एरिया इसका आ गया पाई आर स्क्वायर 22/7 × 154 हो जाएगा, 104। एरिया ऑफ सर्किल तो हमें मिल गया। यस सर। लेकिन अभी रेक्टेंगल और बचा। अब रेक्टेंगल के लिए देखो क्या होगा, क्या दिया हमें, लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर यानी। यस सर, ये भी हो जाएगा और ये 12 है, ये नहीं पता हमें, तो मान लो x x, तो ये चारों तरफ यानी x प्लस 12 प्लस x प्लस 12 मिलके क्या होना चाहिए, 44। यस सर, ऑप्शन बी होगा सर। हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई सर, आ गया 10। तो इसका एरिया कितना हो गया रेक्टेंगल का, 120 120 12 × 10 120। तो रेशियो किसका पूछा है? जो पहले क्या लिखा है, सर्किल। यस सर, यानी एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेशियो पूछा है। तो पहले सर्किल का लिखना पड़ेगा हमें ऊपर 154, फिर इसका 2 से कैंसिल हो जाएगा, 77/60, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सर। तो अभी देखो, अगर इसमें वायर का रेडियस दिया होता या ऐसी कुछ टर्म यूज हुआ होता, तब हम निकालते वॉल्यूम। यस सर, वही सर, वही कंफ्यूज हो गया। अगर सिर्फ लेंथ है, यानी वो एक नॉर्मल वायर को कन्वर्ट करना, और सर सर्किल का कोई वॉल्यूम होता नहीं, तो यहाँ भी कंफ्यूजन हो गया, फिर वैसे निकाल नहीं सकते। हाँ, सर्किल रेक्टेंगल सब 2D फिगर है, तो इनका वॉल्यूम, यस सर, 2D फिगर, इनका वॉल्यूम होता नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने नेक्स्ट दिया है हमें, अ कार हैज व्हील्स हैविंग 56 cm एज डायमीटर। ठीक, हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km/h? ऑप्शन ए है 6250, ऑप्शन बी है 6000, ऑप्शन सी है 6500, ऑप्शन डी है 725। पहले तो क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अ कार हैज व्हील्स हैविंग 56 cm एज डायमीटर। तो व्हील का शेप तो सर्कुलर होता है, यानी की बात हो रही है, उसका डायमीटर दिया है 56 cm। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब टर्न्स, कितनी बार वो कंप्लीट घूमेगा, ईच व्हील मेक इन 10 minutes, टाइम दे दिया 10 मिनट में, व्हेन कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 km/h। आप किस चीज को रिलेट करें इसमें? सर्किल का एरिया की बात हो रही है सर, क्या निकालें सर? सरकमफ्रेंस की बात हो रही है सर, पहले तो लाइन में। एरिया से तो देखो कोई मतलब नहीं आ रहा है, एरिया से तो कोई मतलब है नहीं, ये सरकमफ्रेंस को कहीं ना कहीं रिलेट करना है। अब कैसे करना होगा ये सोचना है। 2πr मतलब 2r = 56 दिया है। चलो पहले निकाल लो। मान लो देखो ये व्हील है, ठीक है, व्हील रेवोल्यूशन का मतलब होता है ये जो घूमेगा, टर्न कर रहा है, घूमे, चक्कर। यस, देखो जब व्हील का ये सेंटर है, ये व्हील का मान लो रेडियस है, ठीक है, जब व्हील टर्न करता है तो कार कैसे मूव होती है? आगे की तरफ मूव होती है। ठीक, तो इसका जो रेवोल्यूशन होगा, कितनी देर में पूछ रहा है? इन 10 minutes। तो 10 मिनट में कई बार घूम चुका होगा। तो हम क्या मान लेते हैं? लेट रेवोल्यूशंस इक्वल टू n। n रेवोल्यूशन मान लिया हमने इन 10 minutes। कितनी देर में? टाइम दिया था 10 मिनट। 10 मिनट में कितने रेवोल्यूशन हो गए? n। अच्छा देखो, ये मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है, yes, ये व्हील ऐसे मूव हुआ और मूव होके ए वापस आ गया, इस तरीके से घूम के ए पॉइंट फिर नीचे आ गया। तो व्हील आगे की तरफ कुछ पोजीशन में मूव कर चुका होगा। यस सर। अब हमें ये देखना है कितना मूव किया होगा, ये बता। यस सर। ये मान लो व्हील मूव होके इधर आ गया, ठीक। तो जब ये एक टर्न पूरा मूव कर चुका तो इसके जो बीच का डिस्टेंस है, थोड़ा समझना इसे ध्यान से। ये पॉइंट ए मान लो घूम के वापस आ गया एक टर्न पे, तो इसका बीच का डिस्टेंस 2πr के बराबर होगा या नहीं होगा? यस सर। देखो जैसे जैसे ये व्हील घूम रहा है, ये ए पॉइंट यहाँ था, जब ये व्हील थोड़ा आगे बढ़ेगा तो ए ऊपर आ जाएगा, जब ये आधा टर्न कर चुका होगा तो ए यहाँ पहुँच गया होगा। कार अपनी पोजीशन से आगे मूव होती जा रही है। तो जब ये पूरा टर्न करके वापस पहुंचा तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ये कितना हुआ, 2πr। व्हील एक अपने माइंड में सोच के देखो, व्हील को जब तुम आगे की तरफ पुश करते हो घूमता है वो, तो जितना वो एक टर्न में घूमेगा वो उसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा। यस सर। और उतना ही वो आगे मूव होती होगा व्हील। अगर 2 टर्न ले लिए उसने तो कितना डिस्टेंस आगे चला होगा, 2 into 2πr। यस सर। 3 टर्न घूम गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा उसने, 3 into 3 टाइम हो गया, ठीक है। तो हम डिस्टेंस को रिलेट कर सकते हैं उसकी सरकमफेरेंस। यस सर। क्लियर। अगर एक ही सेंटर पे फिक्स होता वो तो वो अपने उसी सेंटर पे घूमता रहता, लेकिन यहाँ क्या है, फ्रीली आगे बढ़ रहा है वो। तो जितने जितने टर्न करेगा उसी हिसाब से उसका डिस्टेंस ट्रेवल होगा। क्लियर ये कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। बस इसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो हमें ये पता चल गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील, और जितना व्हील चलेगा उतनी कार में चला होगा। यस सर। इज इक्वल टू हम रिलेट कर सकते हैं किससे, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील से, ठीक। अब देखो उसने कई टर्न लिए, हमने क्या माना था, n। तो हमने n इंटू सरकमफेरेंस, यानी 1 रेवोल्यूशन का मतलब है एक बार पूरा घूमा, यानी सरकमफेरेंस। और हमने मान लिया कि जो भी डिस्टेंस हुआ वो n रेवोल्यूशन है, तो n इंटू दिस लिख सकते हैं। क्लियर? यस सर। अब देखो डिस्टेंस, स्पीड दी है 66 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है 10 मिनट, तो डिस्टेंस कितना हो गया जो ट्रेवल किया, 66 into 10/60। मिनट को क्या किया, आवर में कन्वर्ट कर लिया, 6 से कैंसिल हो गई, आ गया 11 इज इक्वल टू n into 2πr। तो 11 यूनिट पे ध्यान रखना। यस सर। ये 11 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। हाँ, किलोमीटर आवर तो यहाँ से खत्म हो गया, खत्म हो गया सर। वहाँ से किलोमीटर पर आवर से आवर मल्टीप्लाई हुआ तो खत्म, अब किलोमीटर बच रहा है। यस सर। डिस्टेंस लगा रहे हैं सीधे किलोमीटर पर। जो आर है ना ये सेंटीमीटर में है। यस सर। ये हो गया n into 2 into 22/7 into 56 सेंटीमीटर। यस सर। या तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में करो या किलोमीटर को सेंटीमीटर में, तुम्हारी चॉइस। सेंटीमीटर 7 से ये गया 8, तो हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 11 इंटू पहले तो 1000 से करेंगे तो मीटर हो जाएगा, और 1 मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 100 से। यस सर। चाहिए डिवीजन में क्या आ गया, 2 into 22 into 8 is equal to n। n की वैल्यू हमें निकालनी थी। यस सर। 11 22। अब 6 से काट दो, 25 हो जाएगा यहाँ से 4। So 125 into 25 will be the answer. ओहो, एक मिनट ये देखो 56 सेंटीमीटर डायमीटर था, डायमीटर है सर, यही तो मैं सोच रहा हूँ डायमीटर दिया होगा। नहीं पूछा करो, तो डायमीटर को रेडियस बनाएंगे तो अपॉन 2 भी आएगा ये। यस सर, यार पहले से ही मतलब 2r की जगह रख सकते हैं डायमीटर, चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई। 125 into 25 into 2 यानी 125 से 50 तो 5 से कर देंगे हम 0 5 5 द 5 2 द 10 2 5 6 6 2 5 ऑप्शन ए आ रहा है सर 250 6250। नेक्स्ट करते हैं एक इस बार क्या दिया है, मैं क्वाड्रेंट दिया है यानी सर्किल का एक 1/4 पार्ट, ठीक है। इसमें जो दो साइड्स हैं इसको हमने सेंटर मान के सेमी सर्किल ड्रॉ किया है और एक बार इसे सेंटर मान के सेमी सर्किल ड्रॉ किया। क्वेश्चन वो सिंपल कह रहा है कि ये जो पोर्शन है इसका एरिया है स्मॉल ए और ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया है स्मॉल बी। तो क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि ये अगर ओ मान लो, ये जो पी और ये है क्यू, तो वो कह रहा ओ पी क्यू इज अ क्वाड्रेंट of a circle and semicircle are drawn on OP and OQ. Then option A greater than B, option B A less than B, option C A is equal to B, option D cannot be, can't be determined. ठीक है, ये है क्वेश्चन। यस सर। सानिया सानिया ठीक है, ऑफ हो गई वो तो शायद। तो हमें ये बताना है, देखो निकाल के बताओ। अच्छा कुछ सर, ए और बी में क्या रिलेशन सर? लेकिन सर इसकी तो वैल्यू सर उसमें आ रही सर पाई आर में सर, इस तरह से नहीं। ए और बी में रिलेट करना है बस तुम्हें, और कुछ ध्यान नहीं देता तुम्हें, तो सिर्फ ये बताना है ए बी के बराबर है, छोटा है या बड़ा है बस। ओके सर। या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर ऐसी फॉर्म में है कि तुम कंपेयर नहीं कर पा रहे तो फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी हो सकता है आंसर। 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर वैसे तो अगर हम एरिया देखें तो हमें बी का एरिया ज्यादा लग रहा है सर एक एरिया से डायग्राम देख के सर। ये डायग्राम ये मैंने बनाया था, टू द स्केल नहीं है। देखो हम क्या करेंगे इसमें। यस सर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दिया है। क्वाड्रेंट मतलब यस सर, हमें पता था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 सर्किल का 1/4 होता है। यस सर, तो हम ये बड़ा जो सर्किल था, बड़े सर्किल का पार्ट है ना ये। यस सर, मैं समझ गया सर। इसके रेडियस को हम मान लेते हैं 2r। यस सर, इसलिए लिया मैंने कि जब मैं सेमी सर्किल लूंगा तो इसके मिड पॉइंट से इसे r लेके निकाल लूंगा भैया, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ी सी हो जाएगा, इसलिए मैं इस पूरे को 2r। यस सर, ये हो गया 1/4 * 2π into 2r का स्क्वायर। ये आ गया 1/4 into 2π into, सॉरी 2π नहीं, π into 4r स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल। यस सर, क्वाड्रेंट आ गया πr स्क्वायर, ये बड़ा वाला एरिया, ठीक है। यस सर, ना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है वो किसके इक्वल है, इस सेमी सर्किल के। तो सेमी सर्किल 1 प्लस सेमी सर्किल 2 प्लस ये b। यस सर, तो मैं इसे इक्वल टू कर सकता हूँ। सेमी सर्किल 1 का एरिया कितना होगा, ये r होगा, इसका हाफ। इसका हाफ होगा सर, हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ इसका भी हाफ पाई आर स्क्वायर, दोनों को होगा सर पाई आर स्क्वायर, हाफ इनटू पाई आर स्क्वायर। यस सर, इसका भी कितना होगा, सेम ही होगा, ठीक। यस सर, जब मैंने इसका एरिया निकाला और उसमें ये एरिया ऐड कर दिया, तो ये ए 2 बार ऐड हुआ, तो मुझे एक बार ए क्या करना पड़ेगा, माइनस, और प्लस ये वाला पोर्शन भी, ये सब मिलके भी कितना आना चाहिए, क्वाड्रेंट के एरिया के बराबर। सर इस तरह से लगा लें सर, ए बी की सर हमने लगाई नहीं सर, यही हमारा मिस्टेक हो गया। क्या चीज सर, निकाल तो लिया था लेकिन ए और बी का सर वैल्यू नहीं रखी थी इसी में। हाँ देखो, ये देखो एरिया अगर मैंने लिखा तो ये पोर्शन ए वाला इसमें कवर हो गया S1 में। यस सर, मैंने S2 का एरिया लिखा तो ये फिर से ए आ गया, तो इसको तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब ये दोनों मिलके पाई आर स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया। यस सर, तो a * b हो जाएगा, यानी ये दोनों एरिया क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यस, बहुत ही क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन है। और कुछ जरा स्केल और वो प्रोटेक्टर लेके बना के देखना कि दोनों एरिया सेम आ रहा है या नहीं। यस सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है 4 horses are tethered at 4 corners of a square field of side 70 meters with a rope of length 35 meters, so that they cannot reach one another. They can't reach one another. The area left ungrazed by the horses is option A 1050, option B 3850, ऑप्शन सी 950, ऑप्शन डी 1075. क्वेश्चन क्लियर है? 4 horses are yes sir tied. करवा काम ने 4 corners of a square field. एक स्क्वायर फील्ड है, उसके चारों कोनों पे एक एक हॉर्स को हमने बांध दिया. यस सर. अब इसकी साइड कितनी है? स्क्वायर फील्ड की साइड है 70. अब बांधा इस तरीके से कि जो रस्सी की लेंथ ली हमने, रोप की लेंथ वो ली है 35 मीटर. एक हॉर्स है और इस साइड का हॉर्स है, इसके बीच में यानी ये भी 35 है और ये भी 35 है. तो ये आपस में yes, बीच. तो ये पूछ रहा है कि ये अगर इस स्क्वायर फील्ड में घास खाएंगे तो कितना एरिया बचा रह जाएगा अनग्रेस्ड, मतलब वो नहीं खाया हुआ, ये बता. किस तरीके से करेंगे? हम एक हॉर्स पे फोकस करते हैं, देखते हैं कितना एरिया वो खा सकता है. मैक्सिमम ये 35 है. यस सर. 35 है. ये इस तरीके से खाया गया है. यस सर. ये वाला हॉर्स भी इस तरीके से खाया गया है, ये वाला हॉर्स भी इस तरीके से खाएगा, और ये जो बीच का एरिया है ये हमारा अनग्रेज्ड रह जाएगा, ये निकालना है. तो देखो ये चारों क्या बन रहे हैं? क्वाड्रेंट टाइप के बन रहे हैं. ये बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. वो क्वाड्रेंट का एरिया वो सेक्टर से ही आता है, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ. यस सर. ऐसे निकालता है कि 90/360 into पाई आर स्क्वायर. ये जो सर्किल है इसका रेडियस, तो ये जो छोटा सर्किल है इसका रेडियस है 35. ऐसे कितने हैं? 4. पहले एक का निकाल. यस सर. ये तो 1/4 हो गया, तो 1050 आ रहा है इसका आंसर. आर कितना है? 3050. 22/7 into 35 into 35. ठीक, ये तो हो गया एक का. यस सर. इसका एरिया हो गया ग्रेज्ड एरिया, जो उन्होंने खा लिया. 4 से मल्टीप्लाई कर दो. यस सर. वही फॉर्मूला करेगा. ये कैंसिल, ये आ गया. यस सर. देखो अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ कुछ भी. यस सर. अभी थोड़ा सा मतलब कनेक्ट इजी हो जाएगा मतलब. क्या पता कुछ कॉमन ही आ जाए, इसलिए मैंने अभी तक कुछ नहीं किया. यस सर. नाउ एरिया लेफ्ट अनग्रेज्ड, ओके, हो जाएगा इस पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस जो निकाल लिया. तो पूरे स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 70 into 70 माइनस 22 into 5 into 35. तो अगर मैं इसमें से 35 सर 70 कॉमन आ रहा है सर, कॉमन ले लूँगा 70. तो ये हो जाएगा 70 माइनस 11 5 10. नहीं 11 सर, ये 11 into 5 होगा. 15 हो गया. तो 35 into 2 into 15, 15 into 30, और 30 into 35 हो जाएगा 1050. ये हो जाएगा. ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. ऐसा हॉर्स बांधे तो क्वाड्रेंट का पूरे में से माइनस कर दिया. कैलकुलेशन में हमें ये ध्यान रखना है कि शुरू में सारी कैलकुलेशन मत कर लो, जब तुम्हें पता माइनस करना है, डिवाइड करना है, या कुछ करना है. यस सर. अगर वहाँ टाइम सर कम है हमारे पास, मतलब क्वेश्चन को हल करने सॉल्व करने के लिए, तो सर हम ये डायरेक्टली सर एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि ये मतलब क्वाड्रेंट वन ये 2 ये 3 ये 4 बल्कि पूरा एक सर्कल होगा सर. हाँ, पूरा एक सर्कल हम डायरेक्ट कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव में तो तुम्हें तो वहाँ कम टाइम होगा ना, तुम तो डायरेक्ट कर सकते हो. Yes, तो मैंने समझाने के लिए कि हम कैसे कर रहे हैं वो इसमें इतना डिटेल में लिखा है. yes, हम डायरेक्ट एक ही एरिया मान के 4 into this करते सीधे. 4 into 1/4 into pi r square, वो इसमें से माइनस कर देते सीधे. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसके वर्टिसेस पे हमने क्या किया, मान लो सर्किल ड्रॉ किया। इस तरीके से ये सर्किल्स हैं, इस तरीके से कि आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये जो इनके बीच का एरिया है, ये एरिया पूछा है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है हमें साइड दे रखी है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी ये पूरी साइड जो है ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और सर्किल्स आर पासिंग through midpoints of sides of equilateral triangle, यानी ये सारे जो है ये मिड पॉइंट है, ये और ये मिड पॉइंट है। मान लो P, Q, R और इसे मान लो A, B, C। तो ABC ट्राइंगल के ये AB साइड का मिड पॉइंट है P, ये BC साइड का है Q और ये AC का है R। देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। 4√3 - π, बी ऑप्शन है। 4√3 - 2π, ऑप्शन सी है 4 - 2π, ऑप्शन डी है 4 - π। सर ऑप्शन बी होगा सर, 4√3 - 2π। सॉल्व किया या अभी ऐसे ही बता रहा हूँ सर? अभी सॉल्व किया सर, जस्ट मैंने अभी सॉल्व किया। अच्छा कर लिया, गुड। यस सर। तो देखो ये जो शेडेड पोर्शन का एरिया होगा, एरिया इसका वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यस सर। -3 into थीटा अपॉन ये सब देखो क्या होंगे, हाँ ऐड हो गया। यस सर। तो सेक्टर, ये एंगल कितना होगा, ये होगा 60 डिग्री। 60, गुड। क्योंकि इक्विलेटरल है तो ये सारे 60। यस सर। ये सारे 60 है और ये सारी साइड्स भी बराबर है, तो सबका ये रेडियस कितना है, 2। यस सर, तो कितना है, 2। तो यानी तीनों सेम है, तो हमने तीनों को एक साथ लिख सकते हैं इनटू, अब ये सेक्टर हो जाएगा, उसका थीटा 360 यानी 60, थीटा 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इसका होता है सर √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब यहां 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 × 60 अपॉन 360 डिग्री, 360 डिग्री। 22/7 इनटू आर कितना हो गया, R2। अच्छा आंसर में देखो पाई है, तो पाई है तो। यस सर। आर स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये 4 से कैंसिल, मतलब 4√3। यस सर। 1/6 इनटू पाई इनटू 4, यानी 4√3 - 2π। ये इसका आंसर। ऑप्शन बी आया था ना तुम्हारा? यस सर, यही था, बी था। चलो नेक्स्ट है, एक स्क्वायर है, इसके चारों पोर्शन पे जाने वही मिड पॉइंट से पास होते हुए सर्किल। ये जो पोर्शन है ये निकालना है, ये नहीं एक दूसरा भी दे रखा है, सेम स्क्वायर है। इस बार क्या है, इसके अंदर सर्किल है, ठीक है, और ये पोर्शन। यस सर। तो ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे, अलग होंगे, क्या होगा ये बता। यस सर। Unequal yeah, can't be determined. ये बताना है। यस सर। वन लेंथ ये दे रखी है 7, ये लेंथ है 7। तो देखो भाई 90 है यानी क्वाड्रेंट है। यस सर। देखो ये चार क्वाड्रेंट मिलके क्या हो जाएंगे, एक सर्किल हो जाएंगे। यस सर। तो इस पोर्शन के लिए, इस वाली फिगर के लिए मैं लिखूंगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। यस सर। एरिया ऑफ स्क्वायर ये अगर 7 है तो ये हो गया 14, तो ये तो हो गया 14 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4 इंटू 5 आर कितना है 7, ठीक। ये हो गया 196, दिस कैंसिल, माइनस 49 पाई। सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हम, यही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आओ इस वाले सर्किल के लिए, तो यहाँ क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन सर सेम होगा सर, इसमें हमारा ठीक है सर। 25 स्क्वायर माइनस सर्किल, तो वही चीज हो जाएगी 14 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 स्क्वायर 196 माइनस 49 पाई, यानी दोनों एरिया आपस में क्या है, इक्वल है। एक मिनट सर, स्क्वायर ले हम, उसके चार सर्किल बनाए, उसके बीच का पोर्शन निकालें या फिर स्क्वायर के अंदर एक सर्किल बनाए और ये जो लेफ्ट पोर्शन, तो दोनों क्या होंगे सेम। देखो ये चार क्वाड्रेंट है। हेलो सर। हाँ यस सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, हमें सर फिगर से भी तो लग रहा है सर ये सेम होगा सर एरिया फिगर। सर इसका हम डायग्राम देखें सर, डायग्राम 1 या डायग्राम 2, तब भी तो सर लग रहा है कि हाँ एरिया सेम होंगे सर, क्योंकि सर इसमें भी सर्कल बन रहा है, सर इसमें भी सर्कल बन रहा है। इसमें देखो ये चार क्वाड्रेंट है ना, ये चारों क्वाड्रेंट को हम मिला देंगे तो ये एक सर्किल ही तो बन गया पूरा। यस सर्कल हो गया सर, इसमें भी सर्कल लिया है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सर्कुलर रंगोली डिजाइन has to be made as given in figure. फिगर में दे रखा है डिजाइन। By filling blue color. पेरीमीटर ऑफ सर्किल दिया है, इज 176 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागन इज 5 सेंटीमीटर, cos of Convening loan is ₹7 per centimeter square. Then total cost. In coloring blue. In coloring blue is option A 2987.71, option B 2989.77, option C 2910.47, option D 2250.7. डिज़ाइन क्या है मैं यहाँ बनाता हूँ। एक सर्किल लिया है, अगर हम देखें ये सर्किल है, इसके अंदर हेक्सागन बनाया है। यस सर। सेंटर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ठीक है। यस सर। कलर करना है, ये जो पोर्शन है इसमें ब्लू कलर करना है। इसकी हमें कॉस्ट दे रखी पर स्क्वायर सेंटीमीटर कॉस्ट करने की ₹7। तो टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी ये निकालना है। गिवन क्या क्या है हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में सर्कुलर रंगोली डिजाइन था, सर्किल लेके लिया था, हैज टू बी मेड एज गिवन बाय फिलिंग ब्लू कलर, ये ब्लू कलर है। पेरीमीटर ऑफ सर्किल, पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस। यस सर। पहली चीज दे रखा है सर्कमफेरेंस 2πr = 176। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागन इज 5, ये लेंथ दे रखी है, कितनी है 5। कॉस्ट ऑफ कलरिंग दे रखा है, तो टोटल कॉस्ट निकालना है। कलरिंग दे रखी 7 पर सेंटीमीटर, यानी एरिया पे डिपेंड कर रही है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहला हमारा क्या काम होगा, ये जो बाल निकालना है इसका एरिया निकालना है। यस सर। तो देखो अगर मैं इसको इससे मिला दूं इस तरीके से, तो देखो ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये तो रेडियस के बराबर हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो रेडियस कहाँ से आएगा, इनमें से 2 × 22 / 28 आएगी 28 सेंटीमीटर। तो ये पता चल गया हमें कितनी है। यस, 28 सेंटीमीटर। अब ये ब्लू देखो, ये क्या बन रहा है, सेगमेंट। यस सर, सेगमेंट बन रहा है। तो सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, ब्लू कलर का एरिया, यानी कि ठीक है सेगमेंट है, तो ये आएगा = सेक्टर माइनस। यस। सेक्टर के लिए ये एंगल पता होना चाहिए, ये कितना होगा, माइनस ये होगा 60 डिग्री सर। है ऐसे बनेंगे। यस सर, 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री यानी 1/6 × पाई आर स्क्वायर, ठीक। यस सर। अब ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कैसा है, देखो ये 60 डिग्री सर। हाँ ये वो है इक्विलेटरल, ये 28 है तो ये भी 28 है, तो ये दोनों एंगल के आपस में क्या होने चाहिए, सेम। यस सर। इसके अपोजिट है ना, तो इन दोनों का सम 120 आपस में इक्वल है, तो ये भी कितना होगा 60। यस सर। ये कैसे ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल का फार्मूला √3/4 * साइड का स्क्वायर। साइड हमें दे रखी है, कितनी है इसमें, सर हेलो। हाँ हेलो सर, इसमें जो साइड रखी है सर, साइड ऑफ हेक्सागन इज 5 सेंटीमीटर सर, ये क्या है? अभी मैं देख रहा हूँ the length of each side of hexagon be 5 सेंटीमीटर। मैंने ये गलत दे दिया, प्रिंटिंग में कुछ इनसे गड़बड़ हो गई है। यस सर, वही तो सर मेरा फिर ये मतलब हमने तो आर की निकाल ली। देखो रेडियस से हम अगर निकालें तो 44 4s एंड 4 7s 28, रेडियस 28 आ रहा है। यस सर, रेडियस भी 28 है और ये भी 28 होगा और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ये गड़बड़ है कहीं और से, इन्होंने क्वेश्चन में लगता है प्रिंटिंग में गड़बड़ कर दी सर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर, मैं बुक में देख लूंगा सर एक बार। अच्छा, यानी मैंने जहां से लिखा उसमें ये चीज गलत दे रखी थी। यही 28 से ही आएगा सीधा। ओके सर, अब देखो इसमें से पाई, लेकिन हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। यस सर, सेवन फोर जा 4 7 जा, फिर 6 से कैंसिल करेंगे 11 हो जाएगा 3, 44 × 28/3 माइनस 7 × 3 × 28। ये आ रहा है एक ब्लू का एरिया। यस सर, ऐसे कितने हैं? 6। तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो टोटल ब्लू का एरिया आ जाएगा। और फिर कॉस्ट के लिए क्या है? 7 रुपीज़/cm²। तो टोटल कॉस्ट करने के लिए तुम्हें फिर इसे × 7 भी करना पड़ेगा। यस सर, तब जाके आंसर आएगा। यस सर, तो ये वैसे तो √3 में आंसर होता तो तुम सिंपल बता सकते थे, इसमें फिर √3 की तुम्हें वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। यस सर, कैलकुलेशन वाइज लंबा हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलो कैलकुलेशन तो कर लेना, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम। सर ऑप्शन सर बता दीजिए कौन सा सही है, फिर वही हम करते हैं। इसका तुम्हारे पास आंसर है नहीं, मैं तुम्हें ये तो ओके बता दूंगा, ये तुम सॉल्व करके तुम बता देना कौन सा है। ठीक है, यस सर। तो एक बार हम फिर देख लेते हैं। जब ब्लू था ये सेगमेंट था, सेगमेंट के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? सेक्टर माइनस ट्रायंगल करते हैं। ट्रायंगल ये 2-3 टाइप के हो सकते हैं। यस सर, या तो ये इक्विलेटरल होगा, इसका तो √3/4 × a² हो जाएगा एरिया, या फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो ½ r² हो जाएगा, क्योंकि दोनों बेस और हाइट दोनों की रेडियस के बराबर है। यस सर, ठीक है, इस तरीके से। चलो फिर क्लास एंड करते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यस सर, थैंक यू सर।